हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम श्याम कुलश्रेष्ठ, मैथ्स टीचर फ्रॉम SKLED पब्लिक स्कूल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट ए एक्सरसाइज दी थी होमवर्क के लिए, बच्चों ने की होगी। जिसको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो सबट्रैक्शन पर बेस्ड है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल वन लिया है मैंने, 2/3 - 3/5, तो इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15, कितना 15। अब इस 3 का इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 5, 5 2 जा 10। इसी तरीके से इस 5 का 15 में डिवाइड देते हैं, कितनी बार गया 3, और 3 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 9, 10 में से 9 गया 1, ये आ गया 15। ये वाले क्वेश्चंस आप पर सभी पर आते होंगे, एलसीएम लेना सभी पर आता है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो 5th 6th के हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आप पर आते होंगे। ओके, अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, सबट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम -5/6। जब ये आता है फ्रॉम सबट्रैक्ट में, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। अगर लिखा हुआ है ऐसे डिफरेंस 3/4 एंड -5/6, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, और जब इस तरह की लैंग्वेज हो तो लास्ट वाले में इसमें फर्स्ट वाला माइनस करते हैं। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, -5/6 माइनस, क्या कर रहे हैं माइनस हम, 3/4। अब इसका हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम इसका आ गया 24। देखो एलसीएम लेना मैं सिखाई देता हूँ आपको, यही जो चीज़ है 6 और 4 प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब फिर 2 3 में जाएगा नहीं, तो 3 वैसे ही होगा, 2 1 जा 2, 3 3 3 1 जा 3, और ये 1 है ये हमारा, तो कितना आ गया 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ मैंने क्या किया था 24, तो ये कितना आया हमारा 12। क्लियर हो गया, प्राइम फैक्टर सभी पर आता होगा। अब देखो ये फ्रैक्शन कैसे करते हैं सॉल्व, जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम में डिवाइड देते हैं, डिवाइड दिया तो 6 का 12 में दिया तो कितना आया 2, और जो आंसर आएगा उसका न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10। 4 का इसमें दिया कितनी बार गया, 4 3 जा, और जो आंसर आएगा उसका इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। अब देखो इसमें माइनस दोनों साइन है, सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे डिजिट, लेकिन साइन वही रहेगा, 19/12, तो आंसर क्या आ गया -19/12। क्लियर हो गया, ये आपको लिखने नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर में ध्यान रखना है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड 2 - 5/8 सो एज टू गेट 5/9। इस -5/8 में क्या जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो 5/9, तो इसको जब भी आप करो सॉल्व कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, जो चीज़ पूछ रहे हैं उसको एक्स मान लो, तो जो ऐड कर रहे हैं इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, मान लिया ऐड कर रहे हैं एक्स, तो लेट द नंबर बी एक्स। तो अब देखो -5/8
एट में हमने क्या ऐड किया, एक्स, तो आंसर क्या आ रहा है, 5/9। इतना क्लियर हो गया, यानी जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं वो हमने एक्स माना, इन दोनों का ऐड कितना दे रखा है इसमें, 5/9। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस, इसका एलसीएम क्या आ गया, 72। 9 का इसमें दिया कितनी बार गया, 8, 8 5 जा 30, 8 5 जा 40, 8 का इसमें दिया तो 9, 9 5 जा 45, इनको जोड़ा तो कितना आंसर आया ये हमारा, 95। देखो 5 + 0 5 आया, और 4 और 4 8, ये कितना आ गया हमारा, 72। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 85/72। एक बार से दोबारा समझ लीजिए, इस नंबर में क्या ऐड किया जाए, हमने एक्स ऐड कर लिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, 5/9। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 सो एज टू गेट 5/6। अब इसमें से क्या ऐड वो सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर आ जाए ये, तो वही सेम प्रोसीजर, सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, हमने नंबर क्या मान लिया, एक्स। क्वेश्चन एक बार आप फिर से समझ लीजिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हमें एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो मैंने अभी सब्ट्रैक्ट वाला बताया, तो फ्रॉम हो तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी इसमें से किसको माइनस करेंगे, एक्स को, यहाँ हम एक्स मान के चल रहे हैं, ऐसे एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4, इसको हम कैसे लिखेंगे, -3/4 माइनस एक्स, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5/6। क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है, इसलिए ये वाला नंबर बाद में आएगा, ये पहले आएगा, माइनस एक्स इक्वल 5/6, इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3/4। एलसीएम क्या आया है, 12, 6 का इसमें दिया तो कितनी बार गया, 2, 2 5 जा 10, 4 3 जा 3 3 जा 9, तो ये कितना आया हमारा, 19/12। लेकिन ये यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स में माइनस है, तो इस माइनस को हम उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -19/12। ठीक है, अब ये मत बोलना कि माइनस इधर है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये हो गया आंसर इसका, दोबारा समझ लो, -3/4 माइनस एक्स इक्वल 5/6, इसको इधर ले गए तो प्लस में हो गया, फिर इसको सॉल्व किया तो 19/12 आया, एक्स में माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस माइनस को हम इधर ले गए, तो ये -19/12, ये हो गया हमारा आंसर। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए या कमेंट बॉक्स में डालिए। आज की वीडियो ही मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, थैंक यू।